जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। जाति कैसे पूछ सकते हैं आप, बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों संसद में आज राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर आपस में बुरी तरह भिड़ गए, क्योंकि दोस्तों अनुराग ठाकुर ने बोल दिया था कि जिन्हें अपनी जाति का नहीं पता वो जाति गणना करवाने की बात करते हैं। अब दोस्तों इसी को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई और राहुल गांधी के बचाव में अखिलेश यादव भी आ गए। दोस्तों वीडियो मज़ेदार है, अंत तक जरूर देखना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम है, देख लेना सर। मैं ये कहता हूँ इनके लिए ओबीसी है। गौरव सुनिए, गौरव बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप काइंडली एड्रेस दीजिए। माननीय सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। मतलब जिस पार्टी ने अपने पार्टी के अध्यक्ष जो एक पिछड़े वंचित समाज से आते थे उनको धोती से खींचकर पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, उसके शहजादे हमें ज्ञान बांट रहे। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब असंधी है, ठीक है, असत्य है, निराधार। जी सर, जी उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। माननीय सभापति जी, आप बैठ जाए। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूँगा। मैं आपकी बात को ले रहा हूँ। मैं उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं मैं उसको दिखवा लूँगा। आपने जो बात कही उसको मैं दिखवा लूँगा। अनुराग जी, माननीय सभापति जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इसी सदन में पूर्व प्रधानमंत्री जी ने RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए। बैठे आप लोग बैठ जाएं। मैं आपसे, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए। उनकी बात खत्म हो जाए। उन्होंने इंसल्ट किया मुझे। उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, उनके बाद अवसर दूंगा। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, अवसर दूंगा। उनकी स्पीच खत्म हो जाए, प्लीज आप बैठ, आप बैठ जाओ। अनुराग जी, कल किस चीज का इंसल्ट कर रहे थे? आपको अवसर दूंगा। अच्छा एक मिनट बैठ जाए। सर एक मिनट, मैं क्लैरिटी करता हूँ। सर मैंने कहा एक मिनट बैठ जाए। आप सब लोग बैठ जाए। अब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बुला रहा हूँ। अब ये पर इज इट फेयर इफ आई एम अलाउड टू योर लीडर ऑफ अपोजिशन, इज इट फेयर? मैं फिर उनको बुला लूँगा। नहीं तो मैं आपको बुला रहा हूँ तो पहले सब लोग बैठ जाएं, तब मैं आपको अलाउ करूँ। मैं आपको अलाउ करूँगा, सब बैठ जाएं, मैं अलाउ करूँगा।
आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे, मैं आपको अलाउ करूंगा, पहले सब बैठ जाए, हाउस इन ऑर्डर होगा। गौरव जी आप भी बैठ जाए, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को अलाउ कर दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ कर रहा हूँ। सर दीजिए सर, बोलने दीजिए सर, मैं आपको बोलने दीजिए सर, ऐसा नहीं सर, बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी जी। स्पीकर सर देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए, अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। अब चुप रहे श्री अनुराग ठाकुर जी, हमने समय दे दिया, अब आप बैठे, ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है, आपको हमने टाइम दे दिया, आप बैठ चुके हैं, आप बैठ चुके हैं, नहीं आप बैठ चुके। श्री अनुराग ठाकुर सर, मुझे लगता था कि इनको कहीं कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, हमने आप लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट, आई एम नॉट डील्डिंग सर, आई एम नॉट डील्डिंग सर। बिठा के आपको बिठाए बुलाए, अब मैं नहीं करूँगा। मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर मैं इतना ही कहूँगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, लेकिन मैं इतना कहूँगा सर, सर मैंने क्या कहा था सर? सर सर सर, माननीय सभापति जी मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, ये नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा था जिस माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी अपने ही हैज मेंशन, उन्होंने ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग। स्पीकर सर इस दे सर माइक नहीं सर, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर मैं नाम भी माइक आ जाएगा। स्पीकर सर जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियाँ खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद, गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। सभापति महोदय, स्वागत है, क्या तरीका? सभापति महोदय मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आइए वे केवल। सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को। जी सर, सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस बहस के टॉपिक के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मुझे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।